हिस्कियल दूसरा बाब और देखते ही मैं ओंधे मुंह गिरा और मैंने एक आवाज़ सुनी जैसे कोई बातें करता है और उसने मुझे कहा ए आदमजाद अपने पाँव पर खड़ा हो कि मैं तुझसे बातें करूं जब उसने मुझसे यूं कहा तो रूह मुझ में दाखिल हुई और मुझे पाँव पर खड़ा किया तब मैंने उसकी सुनी जो मुझसे बातें करता था चुनाचे उसने मुझसे कहा ए आदमजाद मैं तुझे बनी इसराइल के पास यानी उस बागी कौम के पास जिसने मुझसे बगावत की है भेजता हूँ वो और उनके बाप दादा आज के दिन तक मेरे गुनहगार होते आए हैं क्योंकि जिनके पास मैं तुझको भेजता हूँ वो सख्त दिल और बेहया फर्जंद हैं तो उनसे कहना खुदावंद ख़ुदा यूँ फरमाता है बस ख्वा वो सुने या ना सुने क्योंकि वो तो सरकश ख़ानदान हैं तो भी इतना तो होगा कि वो जानेंगे कि उनमें एक नबी बरपा हुआ और तू ए आदमजाद उनसे हिरासा ना हो और उनकी बातों से ना डर हर चंद तू ऊंट कटारों और कांटों से घिरा है और बिच्छुओं के दरमियान रहता है उनकी बातों से तरसा ना हो और उनके चेहरों से ना घबरा अगरचे वो बागी खानदान है बस तू मेरी बातें उनसे कहना ख्वा वो सुने ख्वा ना सुने क्योंकि वो नहायत बागी हैं लेकिन ए आदमजाद तू मेरा कलाम सुन तू उस सरकश खानदान की माने सरकशी ना कर अपना मुंह खोल और जो कुछ मैं तुझे देता हूँ खा ले और मैंने निगाह की तो क्या देखता हूँ हाथ मेरी तरफ बढ़ाया हुआ है और उसमें किताब का तुमार है और उसने उसे खोलकर मेरे सामने रख दिया उसमें अंदर बाहर लिखा हुआ था और उसमें नूहा और मातम और आहो नाला मरकूम था आमीन